उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी माहौल उड़ा रही है। वह आज भी अपने जो घटियापन शब्द ही सही होगा कि वह बाज नहीं आ रहा है। लालू जी को रिम्स से हटा करके डायरेक्टर के बंगले में पुनः डायरेक्टर को दिया जाएगा, जो अभी सर्किट हाउस में है, और इनको जेल भेजने का कार्य हाईकोर्ट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार विधानसभा स्पीकर का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और एक बार फिर से एनडीए के खाते में जो स्पीकर का जो पद है वो गया है। आपको बता दें कि एनडीए की अगर बात कर ली जाए तो विजय कुमार सिन्हा को 126 वोट आए हैं, वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए तो महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट आए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच जब संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर विजय कुमार सिन्हा को धन्यवाद दिया है, और वहीं जो कल से एक ऑडियो लालू प्रसाद यादव का जो वायरल हो रहा है उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव की छवि जो है एक बार फिर से बेनकाब हो गई है बिहार की जनता के सामने। यही वो कारण है जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने राजद को नकारा है। वहीं उनका यह भी कहना था कि मैं कोर्ट से यह भी अपील करूँगा कि लालू प्रसाद यादव को रांची, जहाँ पर अभी वो होटवार जेल में है, वहाँ से उन्हें हटाकर तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, क्योंकि रांची में जो है वो राजद की सरकार है, इसी वजह से उन्हें ये जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। फोन से बातें कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है संजय जायसवाल। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बनने के लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। विजय जी का जो समर्पण पार्टी के लिए रहा है और एक श्रम मंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किए हैं, खास करके कोरोना के विपत्ति के दौरान जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया था, सभी प्रवासियों को 1,000 रुपए पहुंचाना, प्रवासियों की चिंता करना, प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कराना, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इतने सक्षम मंत्री पिछले टर्म के इस बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ और सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ कि एक सक्षम व्यक्ति आज स्पीकर के पद पे बैठा है। पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरह के कार्य नेता विरोधी दल ने किया है, उनके पिताजी ने जो जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी माहौल उड़ा रही है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है वह यहाँ पर विधायकों को धमकी दे रहा है और विधायकों को कह रहा है कि तुम एब्सटेंट कर जाओ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो कुछ हुआ, और खास करके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मुझे तो लगता नहीं है प्रोफेसर है, संगत नवा क्लास का है तो नवे क्लास की तरह वो बात कर रहे थे। नेता जो सदन का होता है वो हमेशा सदन में उपस्थित रहता है, वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन मैट्रिक फेल व्यक्तियों के साथ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी प्रवक्ता रहेंगे तो वह भी उसी तरह के हो जाते हैं। या अच्छी बात है कि उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, नहीं तो वह शिक्षण का काम करते तो न जाने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या पढ़ाते। इस पूरे प्रक्रिया ने बता दिया कि राजद जो है वह आज भी अपने जो घटियापन शब्द ही सही होगा कि वह बाज नहीं आ रहा है, जानबूझ करके वह लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहा है, जानबूझ करके झूठ बोलने का काम कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रत्नेश कुशवाहा जी माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय में जाकर के PIL लालू जी के खिलाफ रांची में झारखंड में जाकर के वह दायर कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट उनके PIL का संज्ञान लेगा। और रत्नेश कुशवाहा जी ने जो PIL किया उसके तहत लालू जी को रिम्स से हटा करके डायरेक्टर के बंगले में पुनः डायरेक्टर को दिया जाएगा, जो अभी सर्किट हाउस में है, और इनको जेल भेजने का कार्य हाईकोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।